वेलकम बैक टू निशाज रेनबो। दोस्तों अभी मैं आप ये देखिए, काजल मैंने कल आपको दिखाया था पर्पल हॉल में, कल का लगा हुआ और ये बिल्कुल अभी तक लग रहा है कि जैसे मैंने अभी लगाया है। तो अभी नहाने के बाद पूजा कर ली है मैंने और मैं आपको दिखा रही थी, ये देखिए कपड़ों का भंडार, ये पूरा भरा हुआ नीचे तक और ये कपड़े अब ऊपर लग रहे हैं। तो काफ़ी दिनों से मैंने प्रेस नहीं किया है कपड़ों को, आज करूँगी। आज मैंने सोचा है पूरे हर महीने मैं कोशिश करती हूँ कि अपना मंदिर साफ कर लूँ एक बारी, सारे कपड़े और वो सब चेंज कर दूँ, लेकिन ना इस महीने अभी नहीं हो पाया है। और बताइए, पूरा सोमवार, पूरा सावन निकलने वाला है, अब बस एक सोमवार बचा है। तो आज मैं साफ़ करूँगी पूरा मंदिर और सारे भगवान जी के आसन और कपड़े सब। ओहो, ये कैसे हो रहा है, सब आज मैं चेंज करूँगी। तो मंदिर का जो भी न्यू लुक होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स। अभी 11:30 हो रहे हैं और आपको मैं दिखाऊँ बाहर का। मैं आ गई थी आपसे बात करते करते बालकनी में यूं ही, और यहाँ पे आप देखिए आपको पूरा धुंध धुंध सा दिखेगा। पता नहीं ऐसा मौसम क्यों है फ्रेंड्स, अभी सुबह तो बहुत अच्छी खासी धूप थी, क्यों हो गया ऐसा बादलों जैसा मौसम हुआ है। मुझे लग रहा है बारिश होगी, देखते हैं। और आप देखिए ये मेरा अमरबेल कितने अच्छे से आराम से ऊपर चढ़ रही है। अब मैं जा रही हूँ रोटी सेकने, अभी 11:30 हो गया है, पूजा करके नहा के पूजा कर ली है मैंने और अब जा रही हूँ रोटी सेकने। आज मैंने केवल आलू टमाटर की सब्जी बनाई है और रोटी, कल मैंने आपको बताया ही था कि चावल बनाया था मैंने और वो जल गया था गाइस, वो इतना जल गया था यार, मैंने उसको जब शाम को अपना कुकर खाली किया है ना तो वो मुझसे साफ नहीं हुआ, खाली करके मैंने उसका चावल तो सारा फेंक दिया था बट ना वो साफ़ नहीं हुआ। अभी भी उसको मैंने उसमें गर्म पानी, मतलब पानी बॉयल किया था सर्फ डाल करके, तो नहा के आ जाओ बेटा आपने, हाँ नहा के आओ फिर रोटी सेकती हूँ मैं। इस कमरे का एसी चल रहा है इसलिए मैं आ गई यहाँ पर, पूजा करते समय मैं चला देती हूँ यहाँ का एसी, क्योंकि नहाने के बाद ना ये बारिश के मौसम में और ह्यूमिड होने लगता है एकदम, गर्मी पसीना। तो और मेरे पास आज तो बहुत सारा काम है, भगवान जी का मंदिर भी सोच रही हूँ मैं साफ करूँ, लेकिन बच्चों को पहले खाना दे दूँ। तो आज दूध और कुकीज़ तो ले ली थी बच्चों ने सुबह में, सुबह यार जल्दी जल्दी मुझको समझ नहीं आता, हस्बैंड ने कल ही बता दिया था कि उनको जाना है, वो 9:30 निकल जाएंगे। तो मैंने फिर रोटी सब्जी बनाई, फिर और कुछ नहीं बनाया, दाल मुझे पसंद नहीं है और छोटे को भी बहुत कम पसंद है, बहुत रेयरली अब वो दाल खाता है, लेकिन खिलाती हूँ क्योंकि ज़रूरी है, मैं भी लेती हूँ बट वही है कि बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है। तो केवल रोटी सब्जी है और अब बच्चे आ जाएं तो फिर गरम गरम रोटी सेकूंगी, मैं भी खा लूँगी बच्चे भी खा लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आ गई हूँ आपको दिखाने, मैं आज बना रही हूँ कोफ्ता। मैंने आपको बताया ना कि आजकल लौकी मैं ज़्यादा मंगा रही हूँ और उसको कद्दूकस करके रख लेती हूँ, तो अलग अलग डिशेज़ में बहुत काम आता है। तो व्रत में मैं इसका हलवा भी बना लेती हूँ कभी कभार कोफ्ता, और आज मैं आलू का और लौकी का कोफ्ता बना रही हूँ।
तो वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। और बहुत सिंपल रेसिपी है, सिंपल है यार, जैसे आप सारे कोफ्ते बनाते हो ना उसी तरीके से। इसमें बस आपको बेसन मिला लेना है, मैंने थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा सूजी मिलाया था। और ये ऑयललेस वाले बनेंगे मेरे, क्योंकि इन कोफ्तों को मैं ऐसे नहीं बनाऊंगी कढ़ाई में, इनको मैं बनाऊंगी अप्पम मेकर में। तो अप्पम मेकर में इनको मैं, यहाँ पर देखिए बेसन के बाद मैंने हल्दी डाली है इसमें, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो नमक संभाल के डालिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे हींग भी डाल दिए, क्योंकि आपकी ग्रेवी में भी नमक रहेगा और कोफ्तों में भी, और थोड़ा सा चाट मसाला। मैंने इसलिए इसमें चाट मसाला मिला दिया फ्रेंड्स कि बच्चे अभी मान लीजिए वैसे ही खाएं बिना ग्रेवी का, सूखा हुआ ही, तो दो चार पकौड़ियाँ उनकी हो जाएंगी, अप्पम हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने इस तरह से किया। अब इनको अच्छे से मिला लूँगी। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मतलब लौकी मेरे पास ज़्यादा थी। लौकी में आप जानते हैं कितना भी इसको बॉईल करने के बाद निचोड़ दो, पानी तो फिर भी इसमें रह ही जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये गीला हो रहा था। तो मैंने इसमें 1.5 चम्मच बेसन फिर से मिलाया था, पहले मैंने 3 चम्मच लिया था, शायद मैं बताना भूल गई आपको, और अभी मैंने इसमें 1.5 चम्मच फिर से ऐड किया है। और ये एक प्याज रख ली है मैंने, ये पिसा हुआ मसाला है मेरे पास, तो इसको तो मैं आपको कई बार शेयर कर चुकी हूँ, और इस मसाले को बनाने की मैं अलग वीडियो डालूँगी दोस्तों, तो वो ज़रूर आप चेक करिएगा। अभी तो नहीं डाली है तो दिखाऊंगी। अभी इधर देखिए अपम मेकर में विदाउट घी विदाउट ऑयल मैं इसको रख रही हूँ, तो ये बहुत अच्छे से हो जाते हैं। जैसे ये दोनों तरफ से हो जाए ना, इनको बस फ्लिप करना है धीरे धीरे, और उसके बाद जो है फिर ये तैयार हो जाएंगे। और एक साइड में हम इसका ग्रेवी तैयार करके और उसमें इसको डिप कर देंगे, तो हमारी ये कोफ्ते बन जाएंगे। ग्रेवी के लिए भी दोस्तों मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल यूज़ किया था, तो वो आप देख सकते हैं, बहुत हल्का सा मैं 1-2 ड्रॉप इस पे डाल रही हूँ, जिससे कि ऐसा ना हो कि चिपक ही जाए बिल्कुल, है ना। तो इससे अब देखिए मैं इसको फोक से पलट रही हूँ। अप्पम को कभी भी आप चम्मच से या कलछी से मत पलटिए, जब भी आपको इसको पलटना हो, कोई शार्प चीज़ होनी चाहिए, तो मैं फोक का यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा रहता है, बिल्कुल इसमें लगता भी नहीं है और अच्छे से पलट जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मेरे अप्पम तैयार हो गए। इसी तरह से मैं सारे तैयार करके फिर इसका ग्रेवी बना लूँगी, ग्रेवी में मैं फिर इनको डिप कर दूँगी। और ये देखिए सारे अप्पम मेरे तैयार हो गए हैं बहुत कम ऑयल में। और यहाँ पे देखिए मेरी ग्रेवी बन रही है, चावल मैंने बना लिया है, आटा लगा लिया है, तो बस अब रोटी डालनी है। तो मैंने कहा अब इसको साइड करके फिर मैं इसको रोटी बनाऊँगी। तो बताइएगा दोस्तों, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा मुझे। अभी तो देखिए बन भी गया है और मैं इसको डोंगे में पलट रही हूँ पैन में, या खाने में बहुत डिलीशियस थे। तो फ्रेंड्स हमारा खाना पीना सब हो गया है और सारी क्लीनिंग वगैरह भी हो गई, तो कोफ्ते बने थे आज अप्पम मेकर में, बहुत अच्छे बने थे फ्रेंड्स, सबको अच्छे लगे। अर्श कैसा लगा? अच्छा था अच्छा था, या सबको अच्छा लगा, सिंपल ऑयली बिल्कुल नहीं था, और मैंने जो उसकी ग्रेवी बनाई थी उसमें भी बहुत हल्का सा ऑयल डाला था, क्योंकि अब ऑयल फ्री कुकिंग का चांस है। अभी तक तो ऑयल वाली कुकिंग दिखाई आपको, अब ऑयल फ्री कुकिंग भी दिखाऊंगी, तो बने रहें, स्टे ट्यून विद मी। और ये देख सकते हैं आप पीछे कपड़ों का गट्ठर, तो मैंने आज अपने लिए दो टास्क रखे थे, एक मंदिर क्लीनिंग का और दूसरा ये कपड़े प्रेस करने का। तो मंदिर क्लीनिंग तो कर ली मैंने आज, और कपड़े कल करूँगी। अब कल ईद है, तो आप में से जो भी ये त्यौहार मनाते हो दोस्तों, आप सबको ईद मुबारक हो। और मेरा प्रदोष व्रत है कल, तो चलिए फिर आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी आपको करना क्या है,
लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को इसको फटाफट दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ छोटा सा बेल आइकन आता है वो आप प्रेस करेंगे तो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए और स्वदेशी का पालन करिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, शुभ रात्रि दोस्तों।